तो दोस्तों, मैं हेमंत आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो दोस्तों, कुछ कलेक्शन की कुछ कॉइन्स का वही दिखाई कि आपको आज के वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये दो कॉइन्स हैं। तो दोस्तों, ये विक्टोरिया क्वीन के कॉइन है। एक है जो है डिवाइडेड लेजेंड का, एक कंटिन्यू लेजेंड का। ये कंटिन्यू लेजेंड का और ये डिवाइडेड लेजेंड का। तो ये 1 रुपये का कॉइन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, 1840 का। तो अगर आपको ये दोनों कॉइन चाहिए, डिफरेंट वैरायटी के कॉइन है मतलब, तो अगर आपको ये कॉइन चाहिए तो ये दोनों कॉइन आपको मिल जाएंगे 2850 रुपये में। 2850 में दोनों कॉइन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, ये भी विक्टोरिया क्वीन के कॉइन है 1 रुपीज़ के। तो ये कॉइन आपको मिल जाएगा 1090 रुपये में। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि मेरे को ही रीजनेबल प्राइस पे मिला है, तभी आपको सेट में दे पा रहा हूँ। और ये वाला विक्टोरिया क्वीन का कॉइन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, 1840 का। ये आपको सिर्फ मिल जाएगा 1050 रुपये में, कंडीशन की वजह से है। ये सिल्वर कॉइन से, दोनों सारे सिल्वर कॉइन से ही है, बट मेरे को रीजनेबल प्राइस पे मिल पाए, तभी आपको इस रीजनेबल प्राइस पे दे पा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, ये एडवर्ड 7 के कॉइन है। ये हमारे किंग और एम्परर होते थे इंडिया के। ये 1 रुपये इंडिया कॉइन है। तो देख सकते हैं ये एडवर्ड 7 के सिल्वर कॉइन है। इसका 11.90 अप्रोक्स वेट रहता है इन कॉइन्स का, और ये 90% कॉइन्स में सिल्वर रहती है, सिल्वर रहती है। तो ये 1 रुपीज़ के इंडिया के कॉइन है। 1907 में ये कॉइन, 1909, 1903, 1905, तो डिफरेंट ईयर्स के कॉइन्स है। तो अगर आपको ये कॉइन चाहिए तो यह कॉइन आपको मिल जाएगा 910 रुपीज़ में, 910 रुपये में ये आपको ये कॉइन मिल जाएगा। तो सिल्वर कॉइन्स रहते हैं। और जो आप मार्केट में भी आजकल बहुत सारे न्यू न्यू आपके न्यू टाइप के कॉइन आ चुके हैं, जो कि मतलब वो रियल नहीं है, मतलब कि अब नई टाइप से कॉइन्स बन रहे हैं तो वो रियल नहीं होते। तो पहचान कैसे होती है, वो सिर्फ एक्सपर्ट जो डेली इन कॉइन सिल्वर कॉइन्स में डील करते हैं उन्हें पता चल पाता है। तो ये उस टाइम के कॉइन्स है जब ये कॉइन 1909 के ही कॉइन्स है, तो हमें पता इसलिए क्योंकि हम काम करते रहते हैं, इसलिए पता चल पाता है। और मार्केट पता कैसे चलता है, कॉइन की बनावट से, कॉइन की बनावट से, कॉइन के फील से पता चल जाता है कि कॉइन की ये कॉइन नया बना हुआ है या वो पुराने वाला कॉइन है। उसके बाद दोस्तों, ये भी ये क्या कहते हैं, एडवर्ड 7 का ही है, ये भी वही 1907 का। ये भी एडवर्ड 7 का ही है, किंग और एम्परर से भी 1904 का। ये भी एडवर्ड 7 का ही है, 1905 का। तो इस कॉइन का प्राइस इसलिए मैंने जो रखा हुआ 860 रखा हुआ है, तो है तो ये भी सिल्वर कॉइन्स है, पर थोड़ा कंडीशन इनका हल्का सा डाउन है। तो यहाँ से हल्का डाउन है, यहाँ से डाउन, बट है सिल्वर कॉइन्स है। तो अगर आपको ये कॉइन चाहिए तो ये कॉइन आपको मैं दे दूंगा 860 रुपीज़ में, एक कॉइन 860 रुपीज़ में आपको एक कॉइन ये मिल जाएगा। तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है आपको आज ये कॉइन, सिल्वर कॉइन, रियल सिल्वर कॉइन, न्यू नहीं बने, ओल्ड वाले इसलिए। बट आज जो मार्केट में जो ज्वेलर सेल कर रहे हैं, वो न्यू जो बन रहे कॉइन, न्यू मिंट के, न्यू जो डाई से बन रहे वो कॉइन सेल कर रहे हैं, बट ये पुराने उस टाइम के कॉइन्स हैं। उसके बाद दोस्तों, ये 1 रुपये का कॉइन 1862 का, विक्टोरिया क्वीन का। उसका भी 1 रुपीज़ का विक्टोरिया क्वीन का कॉइन है, 1862 का। ये डॉट वैरायटी है और ये विदाउट डॉट वैरायटी है, दोनों डिफरेंट वैरायटी के कॉइन है। और ये दोनों मतलब कि दोनों कॉइन आपको मिल जाएंगे 2100 रुपये में, 2100 रुपीज़ में ये दोनों कॉइन मिल जाएंगे आपको, दोनों डिफरेंट वैरायटी है। वैरायटी का कैसे, इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती है 1862 के कॉइन्स में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो तो वैरायटी का कैसे पता चलता है, नॉलेज होती है, वैरायटी की नॉलेज आपको दिखा रहा हूँ। तो जो 1862 है ना, उसके हम नीचे दिखेंगे डॉट्स, काफ़ी डॉट्स एंड डॉट्स बने होंगे, यहाँ नीचे डॉट्स बने होते हैं, 6 के नीचे देखिएगा तो डॉट्स बने होते हैं।
तो जब आप कॉइन ये लेंगे तो आप देखिएगा कि इस कॉइन के सिक्स के नीचे डॉट्स बने हुए फ्लावर के ऊपर, और इस कॉइन को अगर देखिएगा सिक्स के ऊपर कोई डॉट नहीं है, सिक्स के ऊपर नहीं, सिक्स के नीचे फ्लावर के ऊपर, सिक्स के नीचे यहाँ यहाँ पे कोई ऊपर डॉट नहीं, डॉट नहीं है, मैं 8 6 के बीच में हम कह सकते हैं। और यही कॉइन अगर आप देखिएगा 8 और 6 के बीच में ना आपको एक डॉट्स दिख रहे होंगे फ्लावर के ऊपर, तो ये दो वैरायटी है, ये आपको दोनों कॉइन मिल जाएगा 2100 रुपये में डिफरेंट वैरायटी के। उसके बाद उससे भी विक्टोरिया क्वीन का कॉइन 1875 का, ये आपको दे देगा 1000 रुपये में। ये भी विक्टोरिया क्वीन का कॉइन है 1875 का, ये भी मिल जाएगा 1000 रुपये में। तो अगर आप ये दोनों कॉइन लेते हैं इसमें भी वैरायटी आ जाएगी, एक बॉम्बे मेंट का और एक कलकत्ता मेंट का, तो ये दो डिफरेंट वैरायटी आ जाएगी इसमें भी। ये भी विक्टोरिया एम्प्रेस का कॉइन आ गया 1877 का, ये मिल जाएगा 1000 रुपये में। ये भी विक्टोरिया एम्प्रेस का कॉइन आ गया 1889 का, ये भी मिल जाएगा आपको 1000 रुपये में। उसके बाद दोस्तों ये जॉर्ज फिफ्थ का कॉइन है, किंग और एम्परर का, हाफ रुपी का। बहुत सारे लोगों दोस्तों ने हाफ रुपी के कॉइन देखे भी होंगे, लिए भी है, और कुछ फ्रेंड्स का फर्स्ट टाइम भी हो सकता है देख रहे हो, तो हाफ रुपी के कॉइन भी आते थे, तो ये कॉइन मिल जाएगा 600 रुपये में। तो मेरे को रीजन प्राइस पे है तभी आपको इस प्राइस पे भी दे पा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये भी जॉर्ज फिफ्थ का कॉइन है 1817 का, ये भी मिल जाएगा आपको 600 रुपये में। ये भी हाफ रुपी का कॉइन है जॉर्ज फिफ्थ का, ये 1919 का कॉइन है, एंड ये भी मिल जाएगा 600 रुपये में आपको। ये भी जॉर्ज फिफ्थ का कॉइन है, ये कॉइन जो है 1934 का, ये भी मिल जाएगा 600 रुपये में आपको। उसके ये भी जॉर्ज फिफ्थ का हाफ रुपी का कॉइन है, ये 1936 का, ये भी मिल जाएगा आपको 600 रुपये में। बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल रहे हैं हाफ रुपी के कॉइन, मेरे को रीजनेबल प्राइस पे आए तभी आपको ये हाफ रुपीज़ के कॉइन दे पा रहा हूँ, ये कॉइन मिल जाएगा 600 रुपये में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप हमेशा खुश रहिए, कलेक्शन करते रहिए। जय हिंद, वंदे भारत।